हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने दो शब्द, दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द और चार वर्णों वाले शब्द पढ़े थे। अब इसके आगे आप मात्राओं को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको आ की, बड़े आ की मात्रा से स्टार्ट कराऊंगी। आपका ये चैप्टर पेज नंबर 16 पर है। पेज नंबर 16 पे आप ओपन करिए। आपको मैं ये बताऊंगी कि आ की मात्रा का यूज कैसे करते हैं। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन इसमें भी आपको रिवीजन करना है। जैसे कोई हमने वर्ण लिया या अक्षर, जिसको हम वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं, ये वर्ण कौन सा है? मां। मां ने जब हम आ की मात्रा, ये आ की मात्रा होती है, मां ने आ की मात्रा लगाएंगे, फिर एक और वर्ण लिया, ये वर्ण कौन सा है? ये है ला। ला में भी हमने एक आ की मात्रा लगा दी, तो ये शब्द कैसे बनेगा? मां में आ की मात्रा लग गई, मां। आप म बोलते हो, लेकिन म को जब खींच कर थोड़ा सा और खींचोगे तो उसमें आ आ का साउंड आएगा, आ का स्वर आएगा। छोटा बड़ा आपने स्वर पढ़े हैं, तो बड़ा आ का स्वर आएगा। म में आ की मात्रा जुड़ी, मा। क्या बन गया? मा। फिर मा के आगे ल लिखा है, ल में भी आ की मात्रा जुड़ी, तो क्या बन गया? ला। मा ला। तो इन सबको आपने जोड़ जोड़ के लिखा और पढ़ा, तो पढ़ने में क्या आया? माला, माला। अगर हम ला के बाद आ की मात्रा हटा दें तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? म में आ की मात्रा मा और ल, तो ये क्या बन जाएगा? माल। ओके। लेकिन हम अगर इसमें बीच में आ की मात्रा हटा दें, मां के बाद आ की मात्रा हटा दें, तो क्या बन जाएगा? माला मल। इस तरह से आपने देखा कि मात्रा लगाने से शब्दों पर कितना असर होता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, यानी उसका अर्थ बदल जाता है। तो इस तरीके से आप दो तीन शब्द और लीजिए। जैसे ये क्या लिखा है? छ। छ में आ की मात्रा लगी, छा। क्या बोलेंगे इसको? छा। फिर ये क्या लिखा है? त। त में आ की मात्रा लग गई, क्या बन गया? छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, क्या बन गया? छाता। क्या बन गया? छाता। इसी तरीके से और शब्द ले लीजिए। ना। ना में आ की मात्रा ल। ला में आ की मात्रा, इसको जोड़िए, ना में आ की मात्रा ना, ल में आ की मात्रा ला। क्या बन गया? नाला। इसी तरीके से आपको और शब्द भी आ की मात्रा के बनाने हैं आपकी किताब में। ये देखिए इस तरीके से आपकी किताब में ये दिया हुआ है। माला छाता मैंने आपको बता ही दिया है। ये आप चित्र देख रहे हो, चित्र देख के तो आपको समझ में आ रहा है कि ये किस चीज का चित्र है, लेकिन बच्चों देखकर आप पहचान लेते हैं, इतना ही काफी नहीं होता है। इसके लिए आपको उसको लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये तो नाव बनी है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? नाव। आप पहला अक्षर न सुनाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहा है आपको, और ना, ना के बाद आ का साउंड, आ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो ना प्लस आ की मात्रा नाव, फिर व लिख दिया, तो क्या बन गया? नाव। फिर ये ग में आ की मात्रा गा, गर, गागर, गागर। ग में आ की मात्रा नहीं लगी है सेकंड वाले में, तो हम इसको सिर्फ ग बोलेंगे। पहला वाला हो जाएगा गागर, गागर।
अच्छा, अब यहाँ पे और भी शब्द हैं जिसको आपको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ग म ल, ल में आ की मात्रा गमला, भ में आ की मात्रा भा, ल में आ की मात्रा भाला, प प में आ की मात्रा पा, ल क पालक, ब ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा बा जा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे कुछ आपके शब्द दिए गए हैं जिसको आपको खुद पढ़ना है और मम्मी पापा या किसी बड़े की हेल्प से आप इसको पढ़िए और उनको पढ़कर सुनाइए। केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, इनको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। बट इसके लिए आपको क्या, सबसे पहले किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? आपको अक्षरों का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको अक्षर सुनकर लिखना नहीं आता है तो आप ठीक शब्द नहीं बना पाओगे, और मात्राएं भी ठीक से, मात्राओं का स्वर अगर ठीक से नहीं आता है आपको तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से आपको ये मैं पढ़ा दे रही हूँ, ये वाले शब्द आप खुद पढ़ेंगे और ये मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, पढ़िए और सुनाइए। पेज नंबर 17 पर है। रमा पाठ याद कर, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे फिर से। रमा पाठ याद कर, माता का कहना मान, सबका आदर कर, तबला बजा, नया गाना गा, आभा बाजार जा, गाजर पालक टमाटर ला, सलाद बना, गाजर पालक टमाटर कुछ सब्जियां लाने को बोला और उन्हीं सब्जियों में से कुछ सब्जियों से हम सलाद बनाते हैं, जैसे टमाटर है, गाजर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, सलाद बना, घड़ा भर कर ला, कमला नहाकर माला पहन ताला लगा। ये आपको, आप देख रहे हो कि पिंक कलर से जो मात्राएं लगी हैं वहां पर आपको आ, बड़ा आ का स्वर निकाल के उसको, उस शब्द को जोड़ के बोलना है। ठीक है, और ये बाकी एक्सरसाइजेस आप अपनी बुक पर करोगे। आपको वर्कशीट तो मिलती है, लेकिन जो मैं आपको वर्कशीट में जो दूंगी बुक पे लिखने के लिए, वो आप बुक पे वो वर्क करेंगे। इसी तरह से पेज नंबर 18 पर भी वही चीज है जो आपको खुद करनी है। अब आपको हम दूसरी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं। ये तो आप अक्षर पहचान रहे हो छोटी, लेकिन इसका जो स्वर होता है, इसका जो साउंड होता है छोटी ई की मात्रा का, वो लिखा ऐसे जाता है लेकिन बोला जाता है ई। जैसे आपने लिखा ना प्लस, आपको बताना है क्या बनेगा, न, न में आ की मात्रा प्लस रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस या प्लस ला। तो आप इसको जोड़ जोड़ के पढ़ भी लोगे और लिख लोगे। कैसे, ना में हमने आ की मात्रा लगा दी, प्लस प्लस करते जाते हैं, फिर हमने रा लिखा नार, फिर उसके आगे छोटी की मात्रा आई, छोटी की मात्रा नार और या, उसके बाद या अक्षर आया, यानी या में छोटी की मात्रा लग गई है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नारयी नारयी, और उसके बाद क्या है, ला बचा ला। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, नारयी ल, नारियल यल, नारियल नारियल नारियल। आप बड़ी ई की मात्रा का अगर साउंड निकालोगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, नारियल ई, लंबा सा खींचते हैं ना तब बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन जब हम छोटा सा खींचते हैं, छोटा सा बोलते हैं ई की मात्रा को, तो इक इक करते, तो नारियल। ओके, आपका शब्द है, नेक्स्ट शब्द है आपका गा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस सा। आप देखिए यहां पर गिलास आपको लिखना है, तो गी आपको सबसे पहला अक्षर कौन सा सुनाई दे रहा है, गा।
गी, गा में ई लगा हुआ है, तो यानी ई की मात्रा पहले आएगी। गी, फिर ला, गिलास, ला में आ की मात्रा लगाया, गिला, फिर सा। ओके, तो इस तरीके से आप मात्राएं लगा लगा कर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में देखिए क्या लिखा है, हा प्लस छोटी ई की मात्रा, रा प्लस णा, ये पेज नंबर 19 पर है। हा प्लस छोटी ई की मात्रा, रा प्लस णा, ये क्या है, हिरण, हिरण। आप देख रहे हो पहला अक्षर हमें हा सुनाई दे रहा है, हा में हम छोटी ई की मात्रा भी सुनाई दे रही है, ही, ही रा णा, तो क्या हो जाएगा, ये हिरण। नेक्स्ट, गिलास में आपको बताई चुकी हूं, किला, का, की, का में छोटी ई की मात्रा सुनाई दे रही है, तो हम पहले का और का से पहले हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, किला। यहाँ पे का के बाद छोटी की मात्रा दिखाई गई है, तो आप का के बाद छोटी की मात्रा नहीं लगाओगे बेटा, आप इसको पहले बोलोगे, इसको देखोगे कि का में छोटी की मात्रा लगी है तो हम इसको की पढ़ेंगे, और फिर ला, किला, कीला, अगर आप बड़ी की मात्रा लगाओगे तो वो कीला हो जाएगा, बट इट इज नॉट कीला, ये किला है। ठीक, अब यहाँ पर आपको इन सबको जोड़ जोड़ के पढ़ना है। चा के बाद छोटी की मात्रा लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चा के बाद छोटी की मात्रा लगाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे चिमटा, ची, चा में छोटी ई की मात्रा पहले लगेगी, चिमटा, माचिस, डाकिया, अगर बड़ी की मात्रा होती तो क्या बोलते हैं, डाकिया, किया, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं है, अभी हम छोटी की मात्रा पढ़ा रहे हैं, ई, डाकिया, गिरगिट, गिर गिट। ऐसे ही ये शब्द हैं जो आपको खुद पढ़ने हैं, टर्न ओवर द पेज नंबर 20, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बोल के पढ़ा दे रही हूँ, आप अपने बड़े की हेल्प से इसको पढ़ सकते हैं घर पर, मम्मी की मदद से आप इसे पढ़िए। ये है दिल, हिल, गिरी, गिर, सिल, पिल, सिर, तिल, गिन, डालिया, सॉरी डलिया, कविता, गिटार, शिकार। नेक्स्ट, तकिया, सरिता, किसान, किताब, रविवार, परिवार, किशमिश, गिरगिट, नरगिस, बनियान, रिमझिम, हिलमिल। यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी आप पढ़िए मेरे साथ, किशन किताब पढ़ रहा था, एक डाकिया आया, डाकिया साइकिल पर आया, साइकिल का पहिया निकल गया, डाकिया फिसल गया, बादल घिर आया, रिमझिम जल बरसा, अनिल नारियल खा, हिलमिल कर रह, कविता पढ़। आप यहाँ पे देख रहे हो पिंक कलर से पूरे उसमें आपकी जो भी मात्रा लगी है वो छोटी ई की मात्रा है, तो जिस भी अक्षर में वो छोटी की मात्रा लग जाती है वो ई करके साउंड आता है, जैसे का में छोटी की मात्रा तो की, मा में छोटी की मात्रा तो मी, पा में छोटी की मात्रा तो पी, गा में छोटी की मात्रा तो गी, ऐसे आपको पढ़ना है। और ये एक्सरसाइज आपको बुक पर ही करनी है, ये सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही करनी है। और एक और मात्रा आज मैं आपको बता दे रही हूँ जो कि बड़ी ई की मात्रा है, आपने अभी छोटी ई की मात्रा पढ़ी, अब आप बड़ी, बड़ी तो हम अक्षर इसका ऐसे लिखते हैं लेकिन बड़ी ई का जब हमें साउंड होता है तो वो ऐसे होता है, ई बड़ा लंबा सा खींचते हैं और लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है, ये बड़ी ई क्योंकि बड़ी में ऊपर ऐसे लगा होता है, तो जिस ये होता तो ऐसे है, सॉरी ये मैंने आपको गलत कह दिया, ये आपकी बड़ी की मात्रा ऐसे होती है राइट हैंड साइड पे डंडा लगा के इधर की तरफ, जबकि छोटी की मात्रा में जस्ट इसका उल्टा होता था, छोटी की मात्रा में आपका क्या होता था, इधर की तरफ डंडा लगता था और ऐसे लगता था, बट ये छोटी ई नहीं है, अभी मैं आपको बड़ी ई बता रही हूँ, कोई भी
अक्षर आपके इधर की साइड लिखा जाएगा, मात्रा आपकी दाहिनी साइड पर लगेगी, ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बड़ी ई की मात्रा, जैसे आपने लिखा मा प्लस का प्लस, ये क्या है? उड़ा, मकड़। लेकिन हमें मकड़ी हम बोल रहे हैं, तो हम मकड़ी लिखना है, तो मकड़ी यानी ड़ा में हमें बड़ी का साउंड आ रहा है, तो हम प्लस इसमें आपकी बड़ी ई का मात्रा लगा देंगे, ये बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी ऐसे। तो हम इसको जोड़कर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मकड़ी, यानी राइट हैंड साइड पर बड़ी की मात्रा लगी है और लेफ्ट हैंड साइड पर अक्षर लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे आपको एक और शब्द हम बता देते हैं, ई प्लस मा प्लस ला प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो हम इसको जोड़ के जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ई मा ल, ला में बड़ी की मात्रा, इमली। ओके, तो आप यहां पर देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 22 पे मकड़ी, दा में बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। आप देख रहे हो यहां पे दीपक बना है। ये इमली आप पहचान तो रहे हो, लेकिन लिखोगे कैसे? ई, छोटी ई, मा ली इमली, लाम बड़ी की मात्रा लग गई। ली ची ली, लाम बड़ी की मात्रा ली, चाम बड़ी की मात्रा ची ली ची। इसी तरह से और भी शब्द बने हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं और उनको लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। छ ड़ा में बड़ी की मात्रा छड़ी, था में आ की मात्रा था, ला में बड़ी ई की मात्रा ली थाली, ल ड़ का में बड़ी की मात्रा की लड़की, ई ड ला में बड़ी की मात्रा इडली, ब क रा में ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बकरी। तो इस तरह से ये शब्द भी हैं, ताली शीशी सरकारी, पानी धरती तरकारी, चाबी लकड़ी गिलहरी, गीता ककड़ी, कचहरी इसको बोलेंगे कचहरी, खीर महीना छिपकली, दादी पपीता नमकीन। जहां जहां पे भी पिंक कलर से जो मात्रा आई है उसको आपको जोर देके बोलना है बड़ी की मात्रा। नदी दिवाली नाशपाती। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। सीमा की बड़ी दीदी आई, नाशपाती पपीता लाई, दीदी नीली साड़ी पहनकर आई, दिवाली का दिन था। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाई आई, आई के बाद एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसको हम नेजल साउंड इसमें निकालेंगे नाक से, आई। सीमा की बड़ी दीदी आई, आई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। बिंदी आप लोग आगे मैं इसको पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप अभी इसको ऐसे पढ़िए। सीमा की बड़ी दीदी आई, नाशपाती पपीता लाई, दीदी नीली साड़ी पहन कर आई, दिवाली का दिन था। दिवाली नहीं होता है, दिवाली का दिन था। सीमा दीपक जला रही थी, गीता रबड़ी खा रही थी, गीता अपनी बकरी पकड़ घड़ी मत दिखा, राखी 20 दिन बाद आएगी, आकर खीर पकाएगी। ओके, तो आप इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, वीडियो से सुन सुनकर। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप वीडियो से सुन सुनकर पॉज दे देकर आप इसको पढ़ सकते हो।
और ये जब आप पढ़ लोगे तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना, इसको भी आप अपनी बुक पर करिएगा, ठीक है। और जो मैं आपको ये भी वर्क आपको पेज नंबर 24 पे करना है, और जो मैं वर्क आपको वर्कशीट पर दूंगी वो वर्क भी आपको करना है। बच्चों आपको बहुत ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप मात्राओं को और शब्दों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है, तो उसको आप कैसे लिखोगे जब तक आप अक्षरों और मात्राओं, स्वरों, व्यंजनों का ज्ञान नहीं करोगे, उनको अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे। आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम इस समय है, आपको अभी स्कूल तो नहीं आना पड़ रहा है, मैक्सिमम टाइम आपको घर पे मिल रहा है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लिखिए और अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। तब तक के लिए बाय।